जेल से रिहाई के बाद पहली बार राणा दंपति ने उद्धव सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ हमला बोला। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि कैसे उद्धव सरकार के आदेश पर लॉकअप में उनके साथ अन्याय हुआ। उधर रवि राणा ने संजय राउत पर भी जमकर निशाना साधा। एक आरोप हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर, एक ही एक्शन, नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। और जब आजादी मिली तो एक जैसे ही पति पत्नी ने हमले किए। निशाने पर थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत। आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है। संजय राउत, मैं बोल दिया है चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर, एक संजय राउत एक पत्रकार था सामना में, उसने पत्रकारी के साथ साथ शिवसेना को डुबाने का भी। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मुंबई में 23 अप्रैल को राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन कोर्ट से 4 मई को जमानत मिली तो संजय राउत ने फैसले पर नाराजगी जताई थी। राणा दंपति ने अपने इरादे जता दिए, बीजेपी का साथ मिलने के बाद से ही हौसले बुलंद हैं, लिहाजा इन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं। हनुमान चालीसा का नाम लेना, श्री राम भगवंता का नाम लेना और जो क्रूरता से हमारे पे कार्रवाई करते हैं, उनकी माफी मांगना, हम 14 दिन ने 14 साल भी जेल में रहे तो ऐसे क्रूर सीएम की हम माफी कभी नहीं मांग सकते। माफी तो उन्होंने मांगना चाहिए हनुमान भक्तों और राम भक्तों से, जो उनका नाम लेने से हमको जेल में डाला गया। मुंबई में हनुमान चालीसा पर सियासी हलचल बढ़ने के बाद से अब तक सरकार और शिवसेना हमलावर रही है। राणा दंपति अब इस लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही केंद्र से इंसाफ मांगने की तैयारी भी है। रवि राणा गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आकर मिलने वाले हैं। अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं आप दिल्ली, क्या बताने वाले उन्हें? जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत अनिल परात के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्ठा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। राणा दंपति को बीजेपी का साथ मिला है, लेकिन दूसरी मुसीबत बीएमसी बढ़ाने की तैयारी में है, जिसने आरोप लगाया है कि मुंबई स्थित राणा दंपति के आवास में अवैध निर्माण हुआ है। इस मामले को लेकर घमासान शुरू हो सकता है। बेल भी मिल गई, अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल गया, लेकिन राणा दंपति की मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब डर है कि बीएमसी का कहीं घर पर हथौड़ा ना चल जाए। दरवाजे पर पहले ही बीएमसी का नोटिस चिपका हुआ है और अब बीएमसी को आके घर का इंस्पेक्शन करना है, लेकिन नवनीत राणा कहती हैं अगर उनका घर भी तोड़ दिया जाए, सड़क पर खड़े होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।